स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू नो द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज नेल्सन मंडेला एंड दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी एंड द नेम ऑफ इट्स इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड इट्स रिटन बाय नेल्सन मंडेला। जैसा कि आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला एक बहुत ही बड़े एक सोशल रिफॉर्मर हुए हैं और उन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। Students, before you read this chapter, we should must know something related about this chapter. And those are very important information. Those I am going to tell you. So, let's start. And before you read, you must know that apartheid is a political system that separates people according to their race. अपार्थीट एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को अलग करता है उनकी रेस के बेसिस पर, मींस उनकी जाति, उनके रंग के आधार पर। सो कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो, कि इनमें से जो तीनों देश हैं नीचे नाम लिखा हुआ है, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, इनमें ऐसा ही राजनीतिक सिस्टम व्यवस्था रही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की व्यवस्था रही है अभी तक, अभी हाल ही के कुछ वक्त तक, लाइक UN, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता चलने वाला है इस चैप्टर में, दैट इज़ के हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी सुना है नेल्सन मंडेला के बारे में। एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी अफ्रीकन नेशनल ANC के बारे में, स्पेंड अ लाइफ टाइम, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीट, अपार्थीट को हटाने में। अपार्थीट, जैसा कि हमें पहले ही पता है, अपार्थीट क्या होता है, इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को अलग करती है उनके रंग के आधार पर। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन एंड इवन, और नेल्सन मंडेला को इस वजह से 30 साल जेल में भी गुजारने पड़े अपनी ज़िंदगी के। बट फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, लेकिन अंत में जो एक प्रजातांत्रिक इलेक्शंस थे वो साउथ अफ्रीका में आयोजित किए गए 1994 में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मंडेला नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। एंड इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और इस एक्सट्रैक्ट में जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम है मंडेला स्पीक्स, मंडेला बताते हैं अबाउट अ हिस्ट्रिक ओकेशन, एक ऐतिहासिक ओकेशन के बारे में, एंड जिसको यहाँ पर उन्होंने नाम दिया है द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, वॉट द ओकेशन माइट बी, कि ये क्या ओकेशन होगा, चेक योर गेस, और उसके बाद अपने आप को चेक करना विद द न्यूज़ आइटम्स, उस न्यूज़ आइटम्स से फ्रॉम द BBC, जो BBC ने ब्रॉडकास्ट किया था 10 मई 1994 को, जो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट, This was the heading of BBC's newspaper, first front page. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. कि Nelson Mandela South Africa के पहले black president बने 3 centuries, means 3 शताब्दियाँ, 300 वर्षों तक जब white गोरे लोगों का शासन रहा उसके बाद। Mr. Mandela's African National Congress ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स, जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी उसने 252 सीटें 400 में से जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आयोजित किए गए। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग, और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो आयोजित की गई यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर, वो अटेंड किया गया पॉलिटिशियंस के द्वारा, बड़े बड़े डिग्निटरीज के द्वारा, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, 140 देशों के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े सम्मानित सदस्यों ने इसमें भाग लिया पूरी दुनिया से। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और कभी भी ये खूबसूरत धरती अब एक्सपीरियंस नहीं करेगी,
कि किसी दूसरे के दबाव को, कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को दबाता है, ये बात नेल्सन मंडेला ने कही अपनी स्पीच में। जुबिलियन सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और ये जो सेरेमनी थी, ये लोगों ने सेलिब्रेट की, जिसमें वाइट लोग, कलर्ड लोग और हर वर्ण, हर जाति के लोगों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांस्ड विद जॉय। और 1 lakh से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वेमेन्स और बच्चों ने अलग अलग रेसेस की इसमें गीत गाए और डांस किया बड़ी खुशी के साथ। सो दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट। 10th May dawned bright and clear। ये 10 मई की सुबह का वक्त है, ये बड़ी ही साफ और चमकीली थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बीसीज्ड बाय डिग्निटरीज। और पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था डिग्निटरीज से, एंड वर्ल्ड लीडर और दुनिया के लीडर्स से, हु वर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे अपनी अपनी पे करने के लिए रेस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन से पहले। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और जो इनोग्रेशन था वो सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। जैसा कि पहले साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स की इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई थी। द सेरेमनीज, ये जो सेरेमनीज थी, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ये सेरेमनी आयोजित की जा रही थी एम्पी थिएटर बिल्डिंग में, जो बहुत ही खूबसूरत थी, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो बनी हुई थी यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में। 4 decades। स्टूडेंट पहले ही जानिए एम्पी थिएटर क्या है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रॉस ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। एक ऐसा इमारत जो बिना छत की होती है और चारों ओर से सीट से घिरी होती है रॉ वाइज, और सीटें स्टेप वाइज होती हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स होती हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम आयोजित कराए जाते हैं लाइक दैट, क्योंकि प्राचीन काल में ग्रीस और रोम में इस तरह की थिएटर्स को बनाया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों से ये वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी, एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और इस वक्त ये साइट थी, ये जगह थी, जहाँ पर अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग वर्णों के लोग साउथ अफ्रीका की जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, जो नॉन रेशियल सरकार थी, उसको इंस्टॉल कराने के लिए ये लोग आयोजित हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे सी खूबसूरत खुशनुमा दिन में, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मैं साथ था अपनी डॉटर जेनानी के ऑन द पोडियम। और पोडियम पर, पोडियम बेटे उसको कहते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़े होकर के एड्रेस करते हैं पीपल्स को। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न, मिस्टर डी क्लर्क ने पहले शपथ ली इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट, दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। देन उसके बाद, दिस इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला, आप देख सकते हैं इनको ध्यान से। देन थैबो मवेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थैबो मवेकी ने पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, तब मेरी टर्न आई, आई प्लेज्ड, मैंने प्रतिज्ञा की टू ओबे, ओबे करने के लिए, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को संभाल कर रखने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को डिवोट करने की टू द वेल बीइंग, लोगों की भलाई के लिए, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, लोगों की और अपने देश की भलाई के लिए अपने आप को डिवोट करने की मैंने प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेट, और जो वहाँ पर मेहमान इकट्ठे थे और जो लोग, जो दुनिया इस दृश्य को देख रही थी, उनके लिए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर,
confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Today, all of us do. हम सभी by our presence here, हमारी यहाँ उपस्थिति के द्वारा ये करते हैं कि confer glory and hope to newborn liberty. इसी आशा से, नई आज़ादी की आशा से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, और अब हम बाहर निकले हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपदा से, मानवीय आपदा से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय के बाद अंत हुई है. मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, और अब एक जन्म होगा ऐसे समाज का, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारे समाज को गर्व होगा, मानवता को गर्व होगा. वी, हम, हु वर आउटलॉज, जो कानून के दायरे से बाहर थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा वक्त पहले नहीं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, दिया जा रहा है आज हमें बड़ी ही दुर्लभ प्रिविलेज, सम्मान, टू बी होस्ट टू द नेशन, पूरे राष्ट्र को होस्ट करने का, ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल, दुनिया के सभी राष्ट्रों को अपने देश पर सम्मानित करने का हमें सौभाग्य मिला है. वी थैंक, मैं धन्यवाद करता हूँ, हम धन्यवाद करते हैं ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग इंटरनेशनल गेस्ट, अपने सभी सम्माननीय अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशंस विद द पीपल, जो आए हैं और उन्होंने स्थान ग्रहण किया है हमारे देश के लोगों के साथ. और वॉट इज़ After all, a common victory for justice. और ये क्या है? ये एक आम जीत है न्याय की. For peace, शांति के लिए. For human dignity, मानवता के भव्यता के लिए, respect के लिए, गर्व के लिए. We have at last, हम अंत में achieved our political emancipation. हमने अब अपनी राजनीतिक आज़ादी भी ग्रहण कर ली है. And we pledge, हम प्रतिज्ञा करते हैं ourselves, खुद से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को आज़ाद करने की, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं, डिप्राइवेशन, जो कुचले हुए हैं, सफरिंग, जो पीड़ित हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, जो लैंगिक और दूसरे शोषणों के आधार पर पिछड़े हुए हैं, जो उनसे पीड़ित हैं. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, अब कभी भी दोबारा, शैल इट बी, ऐसा हो नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये जो धरती है खूबसूरत, विल अगेन एक्सपीरियंस, वो दोबारा से एक्सपीरियंस करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन, एक व्यक्ति का दबाव बाय अनदर, दूसरे के ऊपर. द सन शैल नेवर सेट, सन कभी नहीं छिपेगा ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मानवता की इस प्यारी अचीवमेंट का सूरज कभी अब नहीं छिपेगा. लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका का भला करे. लेट फ्रीडम राइन, और ये कहते हुए उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रोका. और अब हम भी स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन को चेक करते हैं. सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि वेयर डिड द सेरेमनीज टुक प्लेस, तो सबसे पहले के सेरेमनीज ने कहाँ पर हुआ, तो ये सेरेमनी हुई साउथ अफ्रीका की एम्पी थिएटर बिल्डिंग में, जो कि प्रिटोरिया में थी. एंड कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप कोई ऐसी इंडियन बिल्डिंग का नाम बता सकते हो जो सैंडस्टोन से बनी हुई है, लाइक हमारा संसद भवन है या हमारा लाल किला है, इस तरह की. कैन यू से 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, के ऑटम डे था 10th मई साउथ अफ्रीका का, ऐसा क्यों है, तो हम बता सकते हैं इस चीज़ के लिए कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका ऑन 10th मई, एंड दिस वाज द एंड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. सो इसीलिए दैट वॉज द डे ऑफ दैट डे वॉज कंसाइडर्ड एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट.
next part I'll upload soon. So thank you for hearing me so patiently. Thanks, and please like, watch and subscribe my channel. And if you have any comment, query, suggestion in your mind, so you can message me. Thank you. Thanks a lot.